रमजान एक बाबरकत महीना है। इसमें हम 15 से 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं, जो ना सिर्फ हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करती है बल्कि हमें बहुत लेवल की बूस्ट भी देती है। फास्टिंग करना रमजान में एक चैलेंज से कम नहीं है, और अगर आप अपने आप को हाइड्रेट नहीं रखते तो ये चैलेंज आपके लिए और खतरनाक साबित है। तो आप अपने आप को कैसे हाइड्रेटेड रख सकते हैं रमजान में, कुछ टिप्स ये हैं। टिप नंबर 1, नॉन फास्टिंग आवर्स में यानी सहरी और अफ्तारी में प्लेंटी ऑफ वाटर इस्तेमाल करें। अब अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हम अपने पानी को किस तरह हैंडल करें, कि हमें अफ्तारी से लेकर सहरी तक और सहरी में हम पानी को किस तरह इस्तेमाल करें कि हमें प्यास की शिद्दत कम महसूस हो। नो डाउट इस वक्त पाकिस्तान में और इंडिया में कुछ मौसम ठीक है, लेकिन जैसे जैसे रोजे गुजरेंगे ज्यादा गर्मी आएगी और आपको प्यास की शिद्दत ज्यादा लगने लगेगी। इससे होता क्या है कि आपके अंदर स्वेटनेस ज्यादा होती है, पसीना ज्यादा आता है और आपके पानी की कमी होती जाएगी, जिससे आपको सुस्ती और आपको मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन भी कर जाता है और वेट करने की बजाय वेट गेन होना शुरू। तो आपने प्लेंटी ऑफ वाटर इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप सारा दिन पानी नहीं पीते, तो आपको इस तरह पानी को मैनेज करना है कि अफ्तारी से लेकर सहरी तक पानी पीते रहना है थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आपको आपकी हाइड्रेशन इंप्रूव होती रहे। सेकंड, वो फूड्स इस्तेमाल करने हैं जिनमें पानी की मिकदार ज्यादा हो, यानी फ्लूइड की मिकदार ज्यादा हो, जैसा कि वाटरमेलन, कम्बर, टमाटोज और ऑरेंजेस। इनमें पानी की मिकदार ज्यादा होती है और तमाम न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया में दोनों मालिक में इस वक्त इन फ्रूट्स मिल जाएंगे आसानी से और आपको ज्यादा फायदेमंद भी साबित होंगे, तो आप इन फ्रूट्स को अपनी अफ्तार और सहर में इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड, अपने मुंह और अपने चेहरे और हाथों को पानी से स्प्रे करते रहें, बट लेकिन अगर आप एक से दो दफा नहा लें तो आप ज्यादा पानी की प्यास को महसूस नहीं करेंगे और आपको ज्यादा रोजा नहीं लगेगा। टिप नंबर 4, कंज्यूम सोप्स। अब बहुत सारे लोग कहते हैं और स्टडीज ने भी ये बात साबित की है कि जो वेजिटेबल से बने सूप्स को कंज्यूम करने से अफ्तार में हमें डिहाइड्रेशन की कमी कम महसूस होती है, क्योंकि सूप में फ्लूइड बहुत ज्यादा होता है और आप बहुत अच्छे से और डिलीशियसली उसे इंटेक कर लेते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो आप भी ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल सूप्स को ट्राई करें, और अगर आप चाहेंगे कि हम वेजिटेबल सूप्स की रेसिपीज लेकर आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, हम आपके लिए रेसिपीज भी दे रहे हैं। और अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां कोकोनट वाटर मिल जाता है आसानी से, तो आप कोकोनट वाटर इस्तेमाल कीजिए। कोकोनट वाटर में पानी बहुत ज्यादा मिकदार में होता है जो आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है, और इसमें पोटाशियम भी बहुत ज्यादा होता है जो आपके पोटाशियम सोडियम बैलेंस को भी इंप्रूव करता है और आपकी बॉडी पूरी तरह से हाइड्रेटेड हो जाती है। बट ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं रिकमेंडेड जहां कोकोनट वाटर मिलता ही नहीं है।